गैलियस गैलियस गैलियस, ऐसा खजाना जिसकी चाबी आपको मिल गई, जब चाहे जितना चाहे आप निकाल सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फिक्चर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे पहले 100 के सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं, इसके लिए मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आपके मोहब्बत का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास गैलियस के ऊपर बात करने के लिए और आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप गैलियस में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप गैलियस नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों का आपके इलम में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आपके साथ दो वीडियो कर चुका हूँ, जिसमें मैं इसके बारे में बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि गैलियस नेटवर्क क्या है। जिस तरह एथेरियम के ऊपर आर्बिट्रम और दूसरे बहुत सारे लेयर टू नेटवर्क हैं, उसी तरह ये भी बिटकॉइन के ऊपर लेयर टू प्रोजेक्ट है और ये कम्युनिटी ओन्ड प्रोजेक्ट है। यानी इसकी जो 100% सप्लाई है वो एलोकेट है कम्युनिटी के लिए, यानी कि मेरे और आपके लिए। जो इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेगा वही इस नेटवर्क का ओनर है। और अगर हम गैलियस के इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 से ज़ायद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इनके साथ इंगेज हो चुके हैं, पार्टनरशिप कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गेमीफाई प्रोजेक्ट्स हैं, एआई प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल फाई हैं, इस तरह वैलेट्स हैं और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जो इनका इकोसिस्टम है वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर पहुँच चुका है। और अगर हम इनकी लॉयल्टी की बात करें, जैसा कि इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है ये कंप्लीट, इसकी 100% जो सप्लाई है वो कम्युनिटी के लिए एलोकेट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका नोड रन करेंगे, जो इनके नोड की को बाय करेंगे, उनके लिए और दूसरे सिस्टम कंट्रीब्यूटर्स के लिए इनकी टोटल सप्लाई जो है वो एलोकेटेड है। तो इसलिए इन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी अपडेट आती है उसके बारे में ये कम्युनिटी को अपडेट करते हैं, कम्युनिटी को इन्फॉर्म करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनके स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स थे, उनकी जो जब इनको ऑफर्स आई तो उनके लिए इन्होंने जो प्लान किया कि वो किस तरह से इनके इकोसिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कोई जिनको इनसाइडर इन्वेस्टर बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं, वो अगर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इन्होंने एक ही वे डिसाइड किया, जो कि मेरे और आपके लिए है कि आप इनका नोड की जो है उसको बाय करें तो आप इनके इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करके तो उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो यही वे इन्होंने अपने जो इनसाइडर इन्वेस्टर्स थे, जो वेल्स थी, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उनके लिए भी इन्होंने यही वे जो है वो डिसाइड किया और उसके मुताबिक ही उन्होंने इनकी जो की हैं उनको बाय किया। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स के ज़रिए की को बाय किया गया वो यहाँ पर इन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया और 1301 की जो है ये यहाँ पर बाय की गई, जिसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर शेयर की गई है। और जो उनको टोटल टोकन एलोकेट किए गए उनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि ये इनके नेटवर्क के ऊपर 2 साल के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर अगर हम इनके टीवीएल की बात करें तो इनका टीवीएल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मिलियन प्लस जो है इनका टीवीएल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक इनका जो टेस्ट नेट फेज़ से आगे इनका अल्फा नेट जो फेज़ है वो स्टार्ट हो चुका है और इनका अल्फा नेट लाइव हो चुका है, जिसकी आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। और अल्फा नेट लॉन्चिंग के साथ ही इन्होंने जो अपना यूआई है, इनका जो की डैशबोर्ड है, उसकी भी इन्होंने अपडेट दी है, जिसके ऊपर आपकी आरओआई के हवाले से और जितनी भी आपका इंसेंटिव वगैरह है उसके हवाले से आपको पूरी डिटेल नज़र आती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो की जो मैंने फर्स्ट टाइम बाय की थी, जो कि बिल्कुल इनका अर्ली स्टेज था, जहाँ पर ये मुझे बिल्कुल आप कह लें कि सस्ते में पड़ी थी, $240 में एक की को मैंने बाय किया था, यानी कि टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट जो हुई थी वो $480 हुई थी, यानी $480 के अंदर मैंने ये इनकी दो की को बाय किया था, जिनकी प्राइस जो है वो ऑलरेडी डबल से क्रॉस कर चुकी है। अगर अभी आप इनकी जो की है इसको बाय करते हैं तो एक की आपको पड़ेगी 500 के करीब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका की फार्मिंग रिवार्ड था वो यहाँ पर A to Z, यानी कि टोटल 45 दिन इनकी जो की फार्मिंग थी
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो की फार्मिंग रिवार्ड था वो इनका था 5.10, यानी 5.10% जो की फार्मिंग रिवार्ड था, जो कि इनकी फार्मिंग जो है ये 45 डेज तक चली, और 45 डे टोटल मैंने यहाँ पर इनकी जो फार्मिंग है ये मैंने की, और उसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $2,012 की जो मेरी की फार्मिंग रिवार्ड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अगर जो मेरा की इंसेंटिव है उसको हम यहाँ पर देखें तो वो 3,067 अभी की जो इनकी प्राइस है उसके हिसाब से। तो चूंकि इनका अल्फा नट जो है वो लॉन्च हो चुका है, और इसके साथ ही इनका जो GOS टोकन है वो भी यूनिस्वैप के ऊपर लिस्ट हो चुका है और उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पॉपअप आ जाता है व्यू चार्ट का। तो इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इनका चार्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें जो इनकी प्राइस है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं कि इनकी प्राइस जो है ये ऑलमोस्ट 1 सेंट को टच करके तो दोबारा से लॉन्चिंग के बाद नीचे आई है, और अभी यहाँ पर दोबारा से ये अप्रिशिएट हो रही है। और जिस स्टेज पर अभी प्राइस है इसके हिसाब से यहाँ पर जो इंसेंटिव मेरा शो हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है। जब 1 सेंट के ऊपर गया था तो उस वक्त ऑलमोस्ट मेरा जो इंसेंटिव था वो $15,000 के करीब था, जो अभी प्राइस डाउन होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,080 यानी कि $5,080 के ऊपर यहाँ पर डाउन होने के बाद आ चुका है। तो अभी मेरा इसको सेल करने का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि इसकी हाइप आप लोगों के भी सामने है, मेरे भी सामने है, जितने भी लेटो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बहुत हाइप है, वो इंशाल्लाह हमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ इसको वेट करूँगा, और मिनिमम मेरा जो टारगेट है वो इसके लिए 2 से 3 सेंट के ऊपर होगा। और अगर अनलॉकिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो टोकन है वो भी अभी तक अनलॉक नहीं हुआ, जब तक इनका मेन नेट जो है वो लॉन्च नहीं होता। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के थंबनेल पे भी ये डिस्क्राइब किया था, और इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है कि बाय वन टाइम अर्न लाइफ टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका गैस शेयरिंग रिवार्ड है, यानी जो इनके नेटवर्क के ऊपर एक्टिविटीज़ होंगी जैसे कि ब्रिजिंग वगैरह होगी या जो भी इनके नेटवर्क के ऊपर फीस चार्ज होती है उसकी जो परसेंटेज है, उसके अंदर जो नोड होल्डर हैं यानी कम्युनिटी का उसके अंदर भी शेयर्स हैं। तो जो गैस शेयरिंग रिवार्ड है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आज दूसरा दिन है इनके जो अल्फा नेट है उसको लॉन्च हुए, उसको लाइव हुए, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि $11.43 जो है ये इनका जो गैस शेयरिंग रिवार्ड है ये भी मुझे मिल चुका है, और यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर मेरे इंसेंटिव के अंदर शो हो रहा है, जिसको जब मेन नेट लॉन्च होगा तो मैं यहाँ पर इस बटन के ज़रिए क्लेम कर सकूँगा। और ये 2 कीज़ जो हैं इनको मैंने बाय किया था जनवरी के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 जनवरी को एक ही को बाय किया गया और दूसरी को जो है वो 5 फरवरी को बाय किया गया। तो अभी अगर आपके माइंड में यहाँ पर ये सवाल आता है कि अभी इसको बाय करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए जो पिछली वीडियो में मैंने की बाय की थी उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 मार्च को बाय किया गया, और उसका जो गैस शेयरिंग रिवार्ड है वो भी एक दिन का यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.65 यानी कि $5.5 से ऊपर है। और दूसरे अगर हम यहाँ पर इसके ROI की बात करें तो हमें 816% जो है इसका ROI मिलने वाला है, और अभी की प्राइस के हिसाब से अगर हम इसका जो इंसेंटिव है उसकी वैल्यू को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी को मैंने $470 में ये मुझे पड़ी लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपके साथ सामने बाय की थी, और इसका जो यहाँ पर जो इंसेंटिव का वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं $1,573 अभी की प्राइस के हिसाब से यहाँ पर इंसेंटिव जो है वो इसका यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इसको बाय करते हैं तो आपको 500 के करीब पड़ती है, तो आपका ROI जो है वो नेक्स्ट अगर आप टायर के अंदर बाय करते हैं तो 777 यानी कि 777% मिलने वाला है, और अगर अभी आप इसी टायर यानी टायर 10 के अंदर इसको बाय करते हैं तो 816% के हिसाब से आपको ROI जो है इसका मिलने वाला है। तो बाकी हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि क्रिप्टो टोटल रिस्क है, इसमें आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा काम सिर्फ यही है कि आपके सामने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करना
और उसकी तमाम चीज़ों के आपके सामने खोल कर रख देना। बाकी डिसीजन आपका है, आप अपने ड्यू डेलीजेंस से आप अपनी मुकम्मल रिसर्च करने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो मज़ीद इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो अल्फानेट है वो लॉन्च हो चुका है, तो जो इनका एयर ड्रॉप है उसके हवाले से भी यहाँ पर जो अल्फानेट के जो टास्क हैं वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं। जो इनके टेस्टनेट के टास्क थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, एक टास्क को छोड़कर बाकी मेरे तमाम कंप्लीट हैं, और मैं इनके जो एयर ड्रॉप है उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हूँ। बाकी जो अल्फा नेट और मेन नेट के जो टास्क आएंगे उनको भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, और इनके जो एयर ड्रॉप्स हैं उनके लिए हम क्वालिफाई करेंगे। तो अभी के लिए आप इनका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा नेट जो लॉन्च हो चुका है, तो इसके ऊपर आप जो ट्रांजेक्शन वगैरह हैं वो करके तो इनका जो एयर ड्रॉप है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये एक ट्रांजैक्शन BTC की यहाँ पर डिपॉजिट किया है इनके गैलियस नेटवर्क के ऊपर, तो मेरी यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर काउंट हो चुकी है। याद रहे कि टेस्ट नेट के ऊपर जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो टेस्ट टोकन के ज़रिए करते हैं, और जो अल्फ़ा या इनके मेन नेट के ऊपर हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारी रियल मनी से होंगी। यानी अभी अगर आप इनके अल्फ़ा नेट के ऊपर जो एयर ड्रॉप के लिए एक्टिविटीज़ करेंगे वो आपको उसमें रियल आपकी मनी यूज़ होगी, तो इस बात को आपने जेहन में रखना है। फ़िशिंग साइट्स और फ़िशिंग प्रोजेक्ट्स से बचने के लिए आपने ये डिटेल्स को जेहन में रखना है कि इनका जो अल्फा नेट है उसकी ये डिटेल है, यानी जो चेन आईडी है, जो इनका सिंबल है और जो इनका ये यूआरएल है, इसको आपने जेहन में रखना है। तो आज की वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो थी वो गैलियस नेटवर्क के ऊपर थी, और उम्मीद है अगर अभी आप गैलियस नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में जिन चीज़ों का आपको इलम होना चाहिए था वो सारी मैंने आपके साथ एक्सप्लोर कर दी होंगी, और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मज़ीद ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें ताकि हर आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।